hello everyone today we are going to discuss about the new syllabus of mathematics 041 of for session 2020 21 of class 12 what are the points to be discussed in this video which are the portion which are deleted which exercise to be eliminated third which question can be ignored and some useful tips चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से सो so, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है एक कॉलम में प्रीवियस सिलेबस चल रहा है और दूसरे कॉलम में न्यू सेलेबस चल रहा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो यहाँ पर प्रीवियस सिलेबस में आपका जितने भी टॉपिक्स है कुछ सिलेबस आपको यहाँ पर एलिमिनेट किया हुआ है न्यू सिलेबस में वह है आपका कॉम्पोजिट फंक् कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ना अब मेन चीज़ जो है हमारा प्रॉब्लम कि हम एक्सरसाइज कौन सा करें और कौन सा एक्सरसाइज छोड़ दें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होता है स्पेशली मिसलिनियस एक्सरसाइज में सो so, पहले बता देता हूँ ये जो मैंने सारे एक्सरसाइज की जो बात कर रहा हूँ मैं एन सी आर टी को रेफरेंस मान के कर रहा हूँ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन पहले सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अभी भी आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसके एक्सेस वन पॉइंट टू पहले सारे करने पड़ते थे अभी भी आपको सारे करने पड़ेंगे चैप्टर वन के और एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री जो एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि उसको उसमें हम कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स निकालते थे वो हट चुका है और एक बात याद दिला दूँ एक्सरसाइज एस वन पॉइंट फोर भी आपके बुक में एन सी आर टी में दिखाई देगा लेकिन वो लास्ट ईयर ही एलिमिनेट हो चुका है जो बाइनरी ऑपरेशन था तो इसलिए मैंने जो सिलेबस बनाया वो लास्ट ईयर की कॉम्पोजिट में बना रखा है तो वो एक्चुअली एलिमिनेट हो चुका है तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस सिलेबस में नहीं दिखा रखा है लास्टली एक्सरसाइज मिसलिनियस यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को तो लास्ट ईयर के हिसाब से आपको वन टू एट ये क्वेश्चन करना था टेन एवन फिफ्टीन टू एटीन ये सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब से आपको क्वेश्चन नंबर फोर से लेके सिक्स फिर एट टेन सिक्सटीन सेवेन्टीन बस यही क्वेश्चन आपको करने हैं इस साल और आपको इस बात का बात पता होगा कि पहले 1.3 से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एग्जाम में अब से वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 1.1 से आ सकता है क्योंकि 1.2 जो है वो वन मार्क्स या टू मार्क्स के लिए ठीक है लेकिन 1.1 से अब फोर मार्क्स या सिक्स क्वेश्चन बन सकता है स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पर प्रीवियस सिलेबस में बता रखा है डेफिनेशन रेंज डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स्ट इकोनोमेटिक फंक्शन अब न्यू सिलेबस के हिसाब से देखा जाए डेफिनेशन रेंज डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रह गया है पहले आपको एक्सएस 2.1 के सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अभी भी आपको करने पड़ेंगे एक्सेस 2.2 सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे पहले अभी अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाओगे तो आपको टू के सारे क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे जो लेवेंथ सिक्सटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी कर लीजिए आपका काम हो जाएगा इस साल के लिए में पहले सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब आप से आपको क्वेश्चन नंबर और टू करना पड़ेगा बस ये जो सिलेबस आपको बता रखा है ये सी के हिसाब से लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर जो इनवर्स डेगोमेटिक फंक्शन है इसको आप सोचिए कि ये एलिमिनेट नहीं हुआ है क्योंकि जो पोर्शन आपका जो यहाँ एलिमिनेट हो गया है वो पोर्शन आपके डिफ्रेंशिएशन में आपको काम लगेगा और वहां पर उसको एलिमिनेट नहीं किया गया है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लीजिएगा चैप्टर नंबर टू के सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं उसको आप छोड़ दीजिएगा नो प्रॉब्लम क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं नहीं लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपके डिफेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लगने वाले हैं और वहाँ से वो पोर्शन को हटाया नहीं गया हुआ है सो so, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी है आते हैं न्यू चैप्टर दैट इज मैट्रिस इसमें आप देखोगे प्रीवियस सिलेबस में बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं और न्यू सिलेबस में लग रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ एलिमिनेट ज़्यादा हो रखा है ऐसा कुछ नहीं है आपका बस एक ही एक्साइज एलिमिनेट हुआ है एक्साइज 3.4 बस यहाँ पर नाम वो जो है वो थोड़ा लंबा नाम है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट मीन्स रो या कॉलम ऑपरेशन करके जो आप इन्वर्स uh, निकालते थे उस पोर्सन को उन्होंने एलिमिनेट किया हुआ है सो so, ये एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर के सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके हैं पहले आपको थ्री पॉइंट वन के थ्री पॉइंट टू के थ्री पॉइंट थ्री के सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब भी आपको करने पड़ेंगे खाली थ्री पॉइंट फोर जो है वो सिलेबस से हट चुका है मिसलिन के सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अभी भी आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे मैं फिर से याद दिला दूँ ये जितने भी एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस मान के कर रहा हूँ आते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज़ डिटमिनेंस इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस सिलेबस न्यू सिलेबस उसी तरीके से बस हम एक्सरसाइज की बात करते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे पहले अभी भी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फोर पॉइंट टू खुशी की खबर ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंस था जो सिलेबस वो यहाँ से हट चुका है जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कराती थी वो एक्सरसाइज वो एलिमिनेट हो चुका है कॉम्प्लीटली सो so, 4.3 के सारे क्वेश्चंस अभी भी करने पड़ेंगे 4.4 के भी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 4.5 के भी सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे एक पीडीएफ है जो जिसमें मैंने सर्कुलेट करते हुए देखा है लोगों को मेरे पास भी आया हुआ था और मैंने वो चेक किया था उसमें 4.6 को एलिमिनेट किया हुआ है लेकिन मैं सी के जो पोर्टल है वहाँ पर जा चेक किया मैंने कि फोर है या नहीं है वहाँ पर लिखा हुआ था है सो so, आपको 4.6 करने हैं तो कुछ एलिमिनेट पोर्शन मतलब आपको कुछ पीडीएफ में ऐसा बता रखा है कि 4.6 को एलिमिनेट किया गया है लेकिन ऐसा है नहीं 4.6 को रखा गया है क्योंकि 4.6 रखोगे तभी आपको फ़ायदा होने वाला है इसमें एक अच्छी बात थी कि उस पीडीएफ में बता रखा है जो सर्कुलेट हो रखा है एक्चुअली वो गलत है क्योंकि उसमें बता रखा है कि 4.2 एंड 4.6 पॉइंट एलिमिनेट हो चुका है वैसा नहीं है 4.2 आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीट है वो एलिमिनेट हो चुका है लेकिन जो 4.6 पॉइंट है जो हम इजी फील करते थे क्वेश्चन करने में जो हमारे सिक्स मार्क्स का स्कोरिंग होता था हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता था तो वो पार्ट है अभी भी हमारे पास सो so, आप की बात करते हैं मिसलिनस में पहले सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे आपसे आपको क्वेश्चन नंबर वन फिर थ्री से लेकर 10 तक, फिर सिक्सटीन से लेकर 19 तक ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको और फोर एलिमिनेट हो चुका है अब चेक करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी चैप्टर नंबर फाइव यहाँ से हमारा कैलकुलस स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इनवर्स इकोनोमेटिक फंक्शन जो मैंने आपको कहा था चैप्टर नंबर टू में कि वो आपको पोर्सन करना पड़ेगा एज ए सिले सी बी सी के सिलेबस के हिसाब से वो एलिमिनेट हो चुका है लेकिन यहाँ पर आपको वो फंक्शन पढ़ना पड़ेगा सो so, वहीं पढ़ना पढ़ना ही आपको बेटर रहेगा तो चैप्टर नंबर टू को स्किप मत कीजिएगा जैसे सी बी सी ने बोला है कि वो चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे ओके okay, एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन उसके पोर्सन के जो भी कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर फाइव में यूज़ होने वाले हैं और आगे भी यूज़ होते रहेंगे आप चैप्टर नंबर फाइव की बात करोगे कॉन्टेंट डिफ्रेंसिबिलिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि आपका यहाँ से एक ही टॉपिक हटा हुआ है दैट इज सॉल्स एंड लैगरेंजेस मीन थ्योरम जो एक्सेस फाइव पॉइंट एट में होता था और ये बता दूँ कि ये क्वेश्चंस कुछ सालों से बहुत कम आने लग गए हैं कभी कभी तो आते ही नहीं थे सो so, इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं बाकी एक्सेस 5.1 से लेकर 5.7 तक सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे पहले भी अभी भी आपको करने पड़ेंगे बस आपके एक्साइज जो 5.8 है वो एलिमिनेट हो चुका है इस बार मिसलिन के सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे पहले अभी भी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फिर से याद दिला दूँ ये सारे एक्सेस की जो बात कर रहा हूँ मैं एन को रेफरेंस मान के कर रहा हूँ सो आप एन के को देख के ही ये चीज़ फॉलो कीजिएगा अब आते हैं पहला बुक का लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव इसके प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं डेट इज सिक्स पॉइंट वन के सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके हैं जो रेट ऑफ बताता रेट ऑफ बॉडीज रेट ऑफ चेंज एज अ कुछ बताता था जो हमें कभी कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी फील होता था क्योंकि वहां पर हमें कुछ टू और थ्री डी याद करने पड़ते थे जो हम क्लास एट नाइन में पढ़ते थे लेकिन फिर भी क्लास ट्वेल्व में आते आते वो पोर्सन बच्चे भूल जाते हैं सो so, वो लोग के लिए ये पोर्सन हट चुका है तो अच्छी बात है लेकिन इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि ये कभी कभी आता था या कभी नहीं आता था आता था तो टू मार्क्स के लिए आता था मैक्सिमम सो so, सिक्स के सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके हैं सिक्स पॉइंट टू के पहले भी करने पड़ते थे अभी भी सारे करने पड़ेंगे सिक्स पॉइंट थ्री के सारे करने पड़ते थे अभी भी करने पड़ेंगे सिक्स पॉइंट फोर जो अप्रोक्सीमेशन था वो सिलेबस से हट चुका है सो आपको सिक्स पॉइंट फोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले भी ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे इसके सो इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं सिक्स पॉइंट फाइव जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्स मार्क्स या फोर मार्क्स के लिए वो पहले भी था और अभी भी सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे की बात करते हैं मिसलिनस में पहले सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अब से आपको क्वेश्चन नंबर टू फोर से लेके एटीन और ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी फोर ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे इस चैप्टर में कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन ये सुनते ही बहुत बच्चे के नींद उड़ जाते हैं इंटीग्रेशन इसमें आप देखोगे प्रीवियस सिलेबस में जितने पोर्शन थे अभी ज्यादा पोर्शन हटे हुए नहीं है न्यू सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन है अभी भी आप देख सकते हो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन के सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अभी भी करने पड़ेंगे सिमिलरली सेवन पॉइंट टू भी करने पड़ेंगे सेवन पॉइंट थ्री भी करना पड़ेगा सेवन पॉइंट फोर भी करना पड़ेगा सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सेवन सारे करने पड़ेंगे यहाँ तक आपको बस एक एक्सरसाइज है जो लिमिट ऑफ सम बोला जाता था उसको एलिमिनेट किया गया है सेवन पॉइंट एट पहले करने पड़ते थे सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस क्या छह ही क्वेश्चंस थे उस एक्सरसाइज में वो एलिमिनेट हो चुका है सेवन पॉइंट एट

सेकेंड बुक के आप लास्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर एक टॉपिक है इंटीग्रेशन का जो सेवन पॉइंट सेवन से मिलता जुलता है सो so, आप वो जो टॉपिक है वो एलिमिनेट किया गया है वहां से सो so, आप उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो सो so, बाकी कोई चेंजेस है नहीं एक्सेस सेवन पॉइंट वन से और मिसलिनस की बात करूँ तो वहां पर बस सेवन पॉइंट एट जो है वो एलिमिनेट किया गया है और जो बैक पोर्सन में आपका जो एन सी आर टी से कुछ क्वेश्चन थे उसको एलिमिनेट किया गया है अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इसमें प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस में आप जाओगे तो क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है बस एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द सेड कर्व्स मतलब ऊपर जो भी कर्व्स की बात कर रहे हैं जो सिंगल कर्व्स है जैसे कि लाइन सर्कल पैराबोला वगैरह वो जब सिंगल कर्व होगा किसी क्वेश्चन में वो पोर्शन में है जब दो कर्व यूज होने वाले हैं तब उस पोर्शन को हटा दिया गया है जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 में पहले सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब से एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर एट तक फिर इलेवन से लेकर थर्टीन तक क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 में सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे लेकिन ये जो 8.2 के जो सारे क्वेश्चन थे वो दो कर्व इंक्लूड थे उसमें तो सिलेबस के हिसाब से वो एलिमिनेट हो चुका है बात करें मेसेलेनियस में इसमें सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अब से आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं अभी वन फोर फाइव नाइन्थ से एलेवेंथ और सिक्सटीन सेवनटीन बस ये क्वेश्चंस करने हैं लेकिन जितने पोर्सन एलिमिनेट हो गए हैं जैसे कि एक्सेस एट पॉइंट टू आप देख सकते हो बुक में वहाँ पर पाँच ही क्वेश्चन है तो आप अगर चाहते हो तो वो पाँच क्वेश्चन कर भी सकते हो क्या पता शायद आ जाए है ना और आपके जो मिसलिन में कुछ क्वेश्चन मिस हैं वो भी इजी टॉपिक्स है तो मतलब 8.1, 8.2 के कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना कुछ जरूरी है नहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपको मोस्टली एक दिन में जो जो एलिमिनेट हो चुका है वो एक ही दिन में कवर सारे हो जाएंगे सो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मान के चलो कि चैप्टर नंबर एट से कुछ एलिमिनेट नहीं हो रखा है जैसे कि चैप्टर नंबर टू अब बात करते हैं नया चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस को मैं कंपेयर करूं तो एक ही पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट हो रखा है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका एक्सरसाइज 9.3 में होते थे सो तो देखा जाए 9.1 9.2 के सारे क्वेश्चंस पहले करने पड़ते थे अभी भी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 9.3 जो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है अच्छी बात है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे कुछ आपको आर्बिटेरी क्वेश्चन को हटाना पड़ता था एलिमिनेट करना पड़ता था कुछ बच्चे उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस करते थे तो अच्छी बात है वो निकल चुका है 9.4, 9.5, 9.6 सो so, इसके सारे क्वेश्चंस आप भी पहले भी करने पड़ते थे अभी भी आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे पहले अब वहाँ पर सारे क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन फाइव को छोड़ के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ही पोर्शन मिस हुआ है तो इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं अब बात करते हैं वेक्टर्स में चैप्टर नंबर है आपकी बुक में इसमें एक ही चेंज हुआ है जेट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप यहां पर मैंने लिखा हुआ है नो चेंज इन द एक्साइज क्वेश्चन स्टिल क्योंकि आप चेक करोगे अपनी बुक में एक्साइज आपके 10.1 से लेके 10.4 तक और मिसलिनियस में आपको कोई भी पोर्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कहाँ पर ये आपके बुक के बुक के आखिरी पेज में सेकंड बुक के आप चेक करोगे आंसर के बाद आखिरी पेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेस 10.5 वहाँ पर ये एक्सरसाइज है बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता था कि ये भी कुछ पोर्शन है जो पास आउट हो भी चुके हैं उसमें भी कितनों को पता ही नहीं है कि ये जो है हमारे सिलेबस में है सो so, अभी भी आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है बाकी जो है एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन से लेके टेन पॉइंट फोर तक और मिसलिनियस में उसमें कोई चेंजेस है नहीं अब बात करते हैं थ्री डी जियोमेट्री थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री इसके प्रीवियस सिलेबस और न्यू सिलेबस में ज़्यादा फर्क है नहीं मोस्टली सा, सारे सिलेबस है बस एंगल पोर्शन जो भी है जहाँ पर भी एंगल की बात आता है वो पोर्शन हट चुका है यहाँ पर देख सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस टू प्लेन्स एंड वन लाइन एंड वन प्लेन जो ये पोर्सन था वो एलिमिनेट हो चुका है एक्सेस ऐसे डायरेक्टली कोई एलिमिनेट हुआ नहीं है एक्सेस 11.1 सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अभी भी करने पड़ेंगे 11.2 के सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अब नहीं करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर वन से लेकर नाइन तक करना है और फोर्टीन से लेकर सेवनटीन तक करना है एक्सेस 11.3 पहले सारे क्वेश्चंस करने पड़ते थे अब आपको क्वेश्चन नंबर वन से इलेवन तक और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करना पड़ेगा मिसेलेनियस के सारे क्वेश्चन करने पड़ते थे अब से आपको क्वेश्चन नंबर वन टू फोर सेवन से ट्वेंटी तो ये सारे क्वेश्चन है बाकी बस एंगल ही जहां पर एंगल वो आ रखा है थ्री ज्योमेट्री में वो पोर्सन से हट चुका है बाकी सब कुछ सेम ही है फिर से याद दिला दूं जितने भी मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं वे सारे एनसीआरटी को रेफरेंस मान के कर रहा हूं अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये एक चैप्टर था जिसमें हम सारे मार्क्स उठाते थे सो so, टेंशन मत लीजिएगा मैंने था बोला टेंशन देने के लिए अभी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर एलिमिनेट नहीं हुआ इसमें कोई चेंजेस है नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं जैसे पहले करते थे अभी भी आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसमें कोई चेंजेस है नहीं और अच्छी बात है क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है यहाँ से फोर मार्क्स या सिक्स मार्क्स हम इजिली उठा सकते हैं अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबिलिटी देखा जाए इसमें कोई चेंजेस नहीं है नो चेंज इन द क्वेश्चन लेकिन दो टॉपिक है जो मीन वेरिएंस ये जो दो टॉपिक है ये मेंशन नहीं किया हुआ है नया सिलेबस में मतलब मान के चलो कि ये सिलेबस से हट चुका है लेकिन ये जो टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता था और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया हुआ सी बी सी ने सो दैट मीन्स एक्साइज अब चेक करोगे तो एक्साइज थर्टीन पॉइंट वन से लेकर थर्टीन पॉइंट फोर तक और मिसलिन के कुछ जो क्वेश्चन थे आपको पहले करने पड़ते थे अभी भी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि जो मीन या वेरियंस है वो निकालने के लिए आपको प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है देखा तो देखा जाए तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस है नहीं इसलिए आप मान के चलो इस पोर्शन में कोई चेंजेस है नहीं क्योंकि मीन वेरिएंस एक बस छोटा सा टॉपिक है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता था सो हम मान के चलते इसमें कोई चेंजेस है नहीं